चार सीढ़ियों में ही सांसें फूल चुकी हैं। विशेष टिप्पणियां अमित सर, रोला जमाना है रोला। और ये हो गई हमारी पैकिंग। खजियार आने का कोई खास प्लान नहीं था। चलिए, जिस बात का डर था वही हो गया है। इतनी ठंडक की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। श्री रघुनाथ जी टेढ़ा मंदिर से निकले तो थे कांगड़ा फोर्ट के लिए, लेकिन प्रोग्राम एक बार फिर चेंज हुआ। अच्छा, चेंज ऑफ प्लान। अब हम जा रहे हैं बाबा बरो टेम्पल। शायद हम रात तक पहुंचे वहां पे और मॉर्निंग में कवर करेंगे हम। और ये अमित भैया का बहुत ही ज्यादा फेवरेट गाना चल रहा है इस टाइम पर, गाड़ी तेज होने वाली है। गाना सुन लीजिए। बाबा बड़ो तक पहुंचने का रास्ता साफ सुथरा है, सिंगल रोड ही है पर अच्छी कंडीशन में है। शाम हो चुकी थी और जो दृश्य दिखाई दे रहे थे इन पहाड़ियों पर मुझे, उन्होंने मेरा मन मोह लिया था। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि ये जगह भी कमाल की होगी। जब हम यहाँ पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी और लकली हमें यहाँ के रेस्ट हाउस में रहने की अनुमति मिल गई। सवेरा जब हुआ और मैं बाहर निकला अपने रूम से तो बस देखता ही रह गया और एक बार फिर मन से, शब्दों से नाता टूट गया। सब कुछ दिव्य था। इस असाधारण वातावरण के बीच एक मंदिर दिखा, मानो सफेद फूल की तरह। हाँ, हम इसी श्री राधा कृष्ण के मंदिर को देखने आए थे और तैयार होकर हम लोग यहाँ के लिए जल्दी ही निकल पड़े। कहा जाता है यहाँ पर दो सिख संत आए थे जिनका नाम था बाबा बड़ो और बाबा फत्तू। कुछ तो बात रही होगी इनमें जो इस जगह का नाम ही बाबा बड़ो पड़ गया। हालांकि ये राधा कृष्ण का मंदिर यहीं के एक स्थानीय सज्जन श्री बी आर शर्मा जी ने बनवाया था सन 1980 के आसपास। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये इकलौता मंदिर है पूरे हिमाचल में जिसमें सबसे ज्यादा सफेद मार्बल का यूज किया गया है। मंदिर दो फ्लोर में बटा हुआ है पर कोरोना पैंडेमिक की वजह से हमें बंद ही मिला। दूसरे फ्लोर पर माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करी हुई है, हालांकि हम वो नहीं देख पाए। पहले फ्लोर पर श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। मंदिर जितना खूबसूरत बाहर से बनाया है उतना ही सुंदर अंदर से भी है। मंदिर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, एक तरफ से बर्फ से ढकी धौलाधार की रेंज और पास में हर तरफ हरियाली। ये सब किसी का भी मन शांत कर सकते हैं। जितना खूबसूरत मैंने यहाँ सूर्योदय देखा, मुझे पूरा यकीन है सूर्यास्त भी उतना ही रूपवान होगा। एक खास बात और है बाबा बड़ो की। श्री राधा कृष्ण मंदिर के चारों ओर जितने भी मंदिर बने हैं वो सब भगवान शिव के हैं। वेल, पुराने मंदिर के लिए आप थोड़ा लोकल बंदों से पूछ लेना, काफी गलियों के अंदर है। और हम एक मंदिर और गए, श्री कालीनाथ भोले शंकर। इस जगह की भी काफी मान्यता है। यहाँ के महंत श्री सुहाचन पुरी ने हमें इस मंदिर के पीछे की कहानी बताई कि किस तरह किसी जमाने में बाबा लाल पुरी, जो कि उस समय के महंत थे, उन्होंने काली माँ और भगवान शिव की पिंडी की स्थापना की। मंदिर की जो भी अरदास करता है, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी के कोई शादी नहीं होती है, जो भी सुखना करेंगे भगवान पूरी करते हैं। प्राचीन देवता कुल देवता ये लोगों का, इसको मंडी कुल्लू मनाली शिमला और कठुल हिरनौरा पालमपुर गढ़ शंकर नालागढ़ अमृतसर ये सभी यहाँ लोग मानते हैं। फोटो वगैरह लगे हैं सभी के, सब सारे लोग इसको मानते हैं जी, उनका कुल देवता। ठीक, थैंक यू। बाबा बड़ो एक आस्था की जगह तो है ही पर प्रकृति के भी काफी नजदीक दिखी मुझे। यहाँ आते वक्त जो ख्याल आया था कि ये जगह कमाल की होगी, बिल्कुल भी गलत नहीं था।
नज़दीकी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन कांगड़ा में ही है, जो कि लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है इस जगह से। बाबा ब्रो का खुद का बस अड्डा है और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से अच्छे से कनेक्टेड है। एज सच बाबा ब्रो में रहने के लिए कुछ खास नहीं दिखा हमें एक्सेप्ट रेस्ट हाउस। अगर वहाँ बुकिंग ना मिले तो मेरा सुझाव रहेगा आप कांगड़ा में या धर्मशाला में रह सकते हैं, ये सब जगह आसपास ही हैं। यहाँ आप 12 महीनों में कभी भी आ सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी लौटूंगा अगले एपिसोड के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको इस मैंगो ट्रैवलर का सफ़र अच्छा लग रहा हो तो। Until then, have a wonderful time, stay safe and take all possible precautions while traveling. GoPro turn off. GoPro turn off. GoPro turn off. GoPro stop recording.